बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं अपना व्याकरण। सेवन्थ क्लास चैप्टर नंबर 4 है हमारा, शब्द एवं शब्द के भेद। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, उसके बाद है रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं, देखिए। मूल शब्द, वे सरल शब्द जिनके अर्थवान खंड नहीं किए जा सकते, यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मूल शब्द कहलाते हैं, जैसे दाल, चावल, दुकान आदि। इसके बाद सामान्य मूल शब्द हैं, सभी मूल शब्द इस वर्ग में आते हैं, जैसे चाय, पानी, चीनी, दाल आदि। फिर रूढ़ मूल शब्द, रूढ़ मूल शब्द कौन से होते हैं, जो मूल शब्द अपने मुख्यार्थ या सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें रूढ़ मूल शब्द कहते हैं। जो मूल शब्द होते हैं वे अपने मुख्य अर्थ को या सामान्य अर्थ को छोड़ देते हैं और किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, तो वे रूढ़ मूल शब्द कहलाते हैं। रूढ़ मूल शब्द जैसे गधा है, इसका सामान्य अर्थ बन जाएगा एक पशु। गधा क्या है, एक पशु है, लेकिन रूढ़ अर्थ क्या होगा इसका, मूर्ख। गधे को मूर्ख के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद है यौगिक शब्द, जो दो या दो से अधिक इकाइयों से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जो दो या दो से अधिक इकाइयों से मिलकर बनते हैं वे यौगिक शब्द होते हैं, जैसे राजपुत्र। राज यानी राजा का पुत्र, अलग दो शब्द जुड़ गए हैं, दो इकाई जुड़ गई हैं, तो ये यौगिक शब्द कहलाएगा। गरम मसाला, ये भी दो शब्द हो गए, गरम अलग हो गया और मसाला अलग है, दोनों के अलग अर्थ निकल रहे हैं, दोनों मिलकर एक हो गए, तो ये यौगिक शब्द कहलाएंगे। उसके बाद देखिए सामान्य यौगिक शब्द, सामान्य यौगिक शब्द जैसे अच्छाई, ईमानदार आदि हैं। और रूढ़ यौगिक शब्द हैं, ये विशिष्ट अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, यौगिक योग रूढ़ भी कहलाते हैं ये। जैसे देखिए घर वाली, रूढ़ यौगिक शब्द है ये, इसका सामान्य अर्थ बन जाएगा गृह स्वामिनी, घर की औरत को कहते हैं गृह स्वामिनी, सामान्य अर्थ गिना गया। और रूढ़ अर्थ इसका क्या बन जाएगा, जो नहीं बदल पाएगा, पत्नी, यानी इसके टुकड़े नहीं हो पाएंगे। समझ आ गया रूढ़ अर्थ क्या है, सामान्य अर्थ क्या है और रूढ़ यौगिक शब्द क्या है। इसके बाद शब्द विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद किए गए हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और हिंदी में विकारी शब्द होते हैं चार प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा शब्द हैं जैसे लड़का, ये तो मूल रूप हो गया, इसमें विकार उत्पन्न हो गया, वचन के अनुसार लड़के, लिंग के अनुसार लड़की, ऐसे सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में भी इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद जैसे के तैसे बने रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, यानी जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई अंतर या प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें कौन कौन से आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। क्रिया विशेषण में जैसे आज, कल, परसों, इनमें कोई अंतर नहीं आएगा किसी भी वाक्य में। ये जो पांच दे रखे इनके अलग अलग ये उदाहरण दे रखे हैं, ये आप पढ़ लेना। उसके बाद अर्थ के आधार पर देखिए, अर्थ के आधार पर शब्दों को किन वर्गों में बांटा जाता है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी, विपरीतार्थी या विलोम और समरूपी, भिन्नार्थक आदि। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे शीला, गीता, अंकुर आदि। इनका और कोई अलग अर्थ नहीं निकलता, एक ही अर्थ निकलता है। उसके बाद अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी नाम से ही पता चल रहा है, जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे अंक, अंक के अनेक अर्थ हैं, गोद, संख्या, चिन्ह, अनेक अर्थ निकल गए ना अंक के। ऐसे ही खग देखिए, पक्षी, ग्रह और बादल।
फिर आगे देखिए पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों का अर्थ लगभग एक समान होता है, इनको समानार्थी भी कहते हैं। पर्याय उसके एक जैसे ही समान अर्थ वाले शब्द जो होते हैं वो पर्याय कहलाते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द है जगत, इसके समान अर्थ वाले बन जाएंगे विश्व, संसार, दुनिया। इन सब का अर्थ एक ही है, ठीक है, समान अर्थ वाले हैं ये। उसके बाद है अगला विलोम शब्द। परस्पर विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जिसमें विपरीत अर्थ होता है, उल्टा अर्थ होता है, वह विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे आदर है, आदर का विलोम बन जाएगा अनादर। आदर तो किसी की इज्जत करना, और अनादर किसी की इज्जत न करना, बेइज्जती करना। उसके बाद है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। जिन शब्दों का उच्चारण समान प्रतीत होता है पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं, समरूपी भिन्नार्थक कहलाते हैं। जैसे समरूपी शब्द है अंक, और नीचे दूसरा है समरूपी, मतलब एक जैसा दिखाई देने वाला अंग। अंक का अर्थ तो होता है गोद, भिन्न अर्थ हो गया, और अंग का अर्थ होता है शरीर का कोई भाग। अली, अली का अर्थ होता है सखी, और अली का अर्थ होता है भ्रमर। बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग हो जाते हैं। अब यहाँ तक आपने अपना चैप्टर पढ़ लिया, यहाँ तक इंटरनल क्वेश्चन आपने निकालने हैं और लर्न करने हैं। उसके बाद दोहराने के लिए दे रखी हैं कुछ पंक्तियाँ, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, इनके अंदर काफ़ी सारी परिभाषाएँ आ जाएंगी, और इनमें से भी आप परिभाषाएँ लर्न कर सकते हैं। पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है और इनके आंसर यहाँ से ढूँढने हैं आपको।